हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेजर ड्रीम इलेवन टीम इलेवन में। और आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जो यहाँ पर मैच होने वाला है, ये मैच होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच में। और ये 30th मैच है आईपीएल का, और इसको कवर करेंगे हम। सारे ही डेटा रिकॉर्ड्स को देखेंगे, इसके अलावा पॉइंट्स टेबल पे टीमों की रैंकिंग देखेंगे। और यहाँ पर जो पिच कंडीशन है, यहाँ पर दो मैच पहले भी पुणे में हो चुके हैं और ये तीसरा मैच पुणे में है, तो देखेंगे हम यहाँ पर क्या स्कोर जनरेट होता है इस पिच पर। ज़्यादा पुराने रिकॉर्ड्स देखने में आपका फ़ायदा नहीं होगा, रीसेंट रिकॉर्ड देखेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर पॉइंट्स टेबल की। तो पॉइंट्स टेबल में आप देख सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स सेकंड रैंक पर है, 7 में से 5 मैच विन किए। हालांकि जो मैच इन्होंने हारे हैं वो बॉलिंग की वजह से हारे हैं। इनकी वीकनेस मैं आपको बता दूं, इनकी वीकनेस बॉलिंग है, और अगर इन्होंने बॉलिंग में ठीक नहीं किया खुद को तो ये आईपीएल नहीं विन कर पाएंगे, बिकॉज बॉलिंग ही लैक कर रही है। बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, 200 पार स्कोर लगा रहे हैं, हर मैच में लगभग 200 के आसपास का स्कोर देखने मिलता है, बट अगर कुछ मैचेस हारे हैं तो बॉलिंग की वजह से हारे हैं। वहीं बात करें दिल्ली की टीम की, तो दिल्ली की टीम का आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लास्ट में रैंक है, बट अभी इनका फॉर्म इतना अच्छा है कि ये चेन्नई को हरा भी सकते हैं। और उसका एक रीज़न ये है, पहले आपको बता दूं 7 में से 2 मैच विन किए इन्होंने, और इनका फॉर्म इतना अच्छा क्यों है, बिकॉज इन्होंने पहले अपनी बॉलिंग ठीक करी है लियाम प्लंकेट को लाके, और इसके अलावा जो भी इंक्लूजन या आउटक्लूजन हुए हैं उन सबको हटा के और ला के बॉलिंग को ठीक किया। उसके बाद यहाँ पर बैटिंग को ठीक किया, कैप्टन श्रेयस अय्यर हो गए और कुछ अलग डिसीजन से टीम चलने लगी, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी बैटिंग बॉलिंग दोनों को इम्प्रूव किया है, तो इनके चांसेस भी बढ़ गए हैं इस मैच को विन करने के। वहीं बात करें चेन्नई की, अगर चेन्नई यहाँ पर बॉलिंग में ठीक प्रदर्शन नहीं करती है तो आज का मैच हार भी सकती है। तो आप ये मत सोचिए कि चेन्नई एक तरफा मैच जीत सकती है, बिकॉज पिछले कुछ मैचेस से आपने देखा होगा जो अंडरडॉग टीम्स हैं वो अपने आप को इम्प्रूव करके मैच विन कर रही हैं, और ऐसा आज भी हो सकता है, तो दिल्ली की टीम यहाँ पर विन भी कर सकती है। तो आपको एक बैलेंस टीम बनानी है और जो अच्छे प्लेयर उनको आप ले लीजिएगा। इसके अलावा चेन्नई की बॉलिंग में यहाँ पर थोड़े से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें दिल्ली की टीम की, तो मुश्किल से एक आध चेंज शायद देखने को मिले, बिकॉज विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही टीम जाना चाहेगी। और आपको बता दूं कहाँ क्या चेंज हो सकता है। तो पहले बात करते हैं पिच कंडीशन की, तो पिच कंडीशन के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पर जो पहले स्कोर बन चुका है पुणे में 200 का स्कोर पहले बन चुका था, पहले जो 17वां मैच हुआ था चेन्नई वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का। हालांकि रॉयल्स की उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी, जिसकी वजह से यहां पर 200 का स्कोर खड़ा कर दिया चेन्नई ने। और दूसरी बार भी चेन्नई ने यहां पर खेला और मुंबई के साथ खेला तो 170 के आसपास का स्कोर खड़ा कर पाए। तो अच्छी बॉलिंग के सामने 170 के आसपास का स्कोर होता है, वहीं बात करें थोड़ी सी बेकार बॉलिंग हो तो 200 के आसपास का स्कोर होता है। तो आप दिल्ली की बॉलिंग को आप जानते हैं, अभी बेटर हो गई है, तो यहां पर 180-170 के आसपास का स्कोर आपको देखने को मिल सकता है अगर चेन्नई पहले बैटिंग करती है। वहीं बात करें अगर पहले दिल्ली बैटिंग करती है तो 200 के आसपास का स्कोर जा सकता है, बिकॉज बॉलिंग यहां पर लैक कर रही है चेन्नई की। और इसके अलावा बात करते हैं दोनों टीमों के परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस शीट मैंने यहाँ पर रेडी करके रखी है आपके लिए, ताकि आप यहाँ पर देख सकें कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है और किसको लेने में आपका फायदा है। जैसे कि मैंने आपको पिछले मैच में राइडू के बारे में बताया था, हाईएस्ट रन गेटर है टीम की और परफॉर्मेंस भी इनका उसी लेवल का दिखता है। बात करें यहाँ पर पॉसिबल चेंजेस की, तो पहले चेंजेस की बात कर लेते हैं। शेन वॉटसन बहुत बेकार परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 3 मैचेस से, तो इनकी जगह भी थोड़ी क्रिटिकल है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको 100% तो नहीं बोल सकता कौन सा प्लेयर खेलेगा कौन सा नहीं खेलेगा, बट उसके लास्ट 2-3 परफॉर्मेंस से आप जज कर सकते हैं वो खेलने वाला है नहीं खेलने वाला। जैसे कल वॉशिंगटन सुंदर के साथ हुआ था, पूरे मैचेस में 4 विकेट सिर्फ निकाले थे, उनको सिर्फ टीम खिला रही थी बिकॉज वो बैटिंग में थोड़ा बहुत हेल्प करते थे, और जैसे ही उन्हें एक अच्छे बॉलर मिले उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को बाहर कर दिया। तो ये आपको खुद समझना होगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो बॉलर परफॉर्म नहीं करेगा वो बाहर हो जाएगा, जो बैट्समैन परफॉर्म नहीं करेगा वो बाहर हो जाएगा, सीधी सी बात है। आप रिकॉर्ड्स इसलिए मैं आपके लिए निकाल के रखता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, और लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, बिकॉज जब तक आप डेटा का एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक आप प्लेयर का परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, आप देख नहीं पाएंगे टीम कहाँ कमजोर हो रही है और कहाँ से किसी प्लेयर को निकाल सकते हैं और कहाँ किसी प्लेयर को ला सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात करें चेन्नई की टीम की, तो पहले आपको बता दूं यहाँ पर टीम इंपॉर्टेंट नहीं है, टीम आपको बहुत यूट्यूब चैनल्स पर मिल जाएगी, आप वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ पर मेन हमारा जो इंपॉर्टेंट होता है वो डिस्कशन होता है, हम जो डिस्कशन करते हैं, जो मेजर पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस होते हैं, जो बातें यहाँ डिस्कस होती हैं, क्या इंक्लूजन क्या आउटक्लूजन, क्या टीम्स परफॉर्म कर रही हैं, क्या उनमें चेंज हो सकते हैं, तो वही इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। टीम आप खुद भी बना सकते हैं, मैं आपको टीम आज बना के नहीं दूंगा, बिकॉज टीम बनाने में होता क्या, आप बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं, आप उसके पीछे की मेथड को नहीं समझते। जैसे मैंने आपको कल बोला था विराट कोहली को आपको एक टीम में कैप्टन बनाना है और एक टीम में नहीं लेना है, वो मैंने इसलिए बोला था उस क्रेडिट की प्रॉब्लम थी, बिकॉज विराट कोहली का फॉर्म भी थोड़ा ऐसा है कि कभी 18 रन के आसपास बनाते हैं कभी 90 पार कर देते हैं। तो ये आपको कुछ स्ट्रेटजी में बताता हूँ, आप वो उसको अपनाइए, आप मेरी टीम को कॉपी मत करिए, वो एक डेमो टीम होती है जिसमें मैं आपको थोड़ा प्लेयर्स को लेने का तरीका बताता हूँ, कैसे किसको लेना है किसको छोड़ना है।
तो चलो ये तो बात की बात है, अब बात करते हैं यहाँ पर टीम की। शेन वॉटसन की बात करें तो शुरुआती मैचेस में ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे थे, विकेट्स भी निकाल रहे थे, जिसकी वजह से एक अच्छे प्लेयर साबित हो रहे थे आपके लिए, बट लास्ट के कुछ मैचेस में विकेट भी नहीं निकाल रहे हो और परफॉर्मेंस भी खराब है, तो थोड़े से यहाँ पर क्रिटिकल ऑप्शन होंगे, हो सकता है टीम इनको बाहर भी कर दे। फिर यहाँ पर अंबती रायडू खेलेंगे, सुरेश रायना है, MS धोनी है। यहाँ पर बिलिंग्स का परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है और इनकी जगह पर या तो एक अच्छे बैट्समैन को ले आए जैसे कि फाफ डू प्लेसिस, या फिर जो इनके पास अच्छे बॉलर है डेविड विली, और इसके अलावा लुंगी रगेड़ी ने भी यहाँ पर स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है तो वो भी खेल सकते हैं, मार्क वुड भी यहाँ पर अवेलेबल, तो बहुत सारे फॉरेन प्लेयर अवेलेबल हैं, तो हो सकता है ताहिर को हटा के डेविड विली को ले आए और बिलिंग्स को हटा के मार्क वुड या लुंगी रगेड़ी को ले आए, और इसके अलावा ये एक ऑप्शन हो सकता है बिलिंग्स की जगह पर डुप्लेसी को ले आए, बिकॉज उनकी बैटिंग कमजोर नहीं है, बैटिंग में सब कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बैटिंग में दिक्कत नहीं है चेन्नई की टीम को दिक्कत है बॉलिंग में, तो बॉलिंग में मुझे लगता है किसी ना किसी बड़े प्लेयर को लाना पड़ेगा और आपको बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं बॉलिंग में। बात करें यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर्स की, तो अभी तक अंबती रायडू ने 329 रन बनाए हैं, सुरेश रैना ने 209 बनाए हैं, MS धोनी ने 235 बनाए, जो कि बहुत नीचे आते हैं, फिर भी एक बहुत अच्छा स्कोर है अगर रैना के कंपैरिजन में आप देखें, पिछला मैच रैना ने बहुत अच्छा खेला था। और इसके बाद यहाँ पर डुप्लेसी की बात करें तो 80 रन बनाए हैं, सॉरी डुप्लेसी नहीं बिलिंग्स ने, डुप्लेसी अभी आज का मैच अगर खेले तो फिर उनका रन काउंट होंगे, अभी फिलहाल तो हम बिलिंग्स का देख रहे हैं, 80 रन अभी तक टीम के लिए जोड़े हैं। रविंद्र जडेजा ने 47 रन जोड़े हैं और रोहन ब्रावो ने 118 रन जोड़े हैं। एवरेज की बात करें तो एवरेज से आपको बहुत अच्छा पता पड़ेगा प्लेयर के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एवरेजेस यहाँ पर दिए हैं, आप देख सकते हैं सबसे बेस्ट एवरेज अंबती रायडू का है, उसके बाद सुरेश रैना का है, फिर MS धोनी का है, बिकॉज सुरेश रैना बीच में एक मैच नहीं खेले थे, तो एवरेज में आपको ज्यादा अच्छा पता पड़ता है परफॉर्मेंस प्लेयर की। और इसके अलावा बात करें विकेट्स लेने की, तो यहाँ पर सिर्फ एक बंदा अच्छे विकेट्स ले रहा है जो कि शार्दुल ठाकुर है। शार्दुल ठाकुर हर मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लास्ट मैच में परफॉर्म नहीं किया हालांकि, बट इकोनॉमी इनकी ठीक ठाक रहती है और कुछ ना कुछ विकेट्स निकाल लेते हैं। बात करें इमरान ताहिर की, जिनसे भी लास्ट मैच में कुछ ओवर्स ज्यादा नहीं करवाए, इकोनॉमी बेकार हो रही है। हरभजन सिंह की बात करें तो अभी तक 5 मैच खेले हैं और जिसमें से 3 विकेट सिर्फ निकाले, तो हरभजन सिंह आपके लिए उतने अच्छे प्लेयर साबित नहीं हो सकते मेरे हिसाब से। और दीपक चहर की मैं आपको न्यूज़ दे दूं, दीपक चहर पिछले मैच में हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से वो इस मैच को नहीं खेलेंगे, उनकी जगह पे या तो करण शर्मा आएंगे या KM आसिफ आएंगे, दोनों ही अच्छे बॉलर हैं। करण शर्मा का रिकॉर्ड आपको बता दूं, पिछले कुछ मैचेस में करण शर्मा ने 2 मैच तो नहीं खेले, उसके पहले जब 2 मैच खेले थे 2 विकेट और 1 विकेट, तो लगातार में ये सीक्वेंस में इन्होंने 2 विकेट और 1 विकेट निकाले थे 2 मैचेस में, तो हो सकता है यहाँ पर करण शर्मा को फिर से मौका दे टीम, या फिर KM आसिफ को भी ला सकती है। हरभजन सिंह उतने अच्छे पिक आपके लिए नहीं है, इनसे सिर्फ ओवर निकलवाए जाते हैं, पिछले मैच में इकोनॉमी अच्छी थी, उसके पहले इकोनॉमी भी अच्छी नहीं थी, तो हरभजन सिंह आपके लिए वॉच करने के लिए प्लेयर तो नहीं होंगे, आपके लिए यहाँ पर वॉच करने के प्लेयर में शार्दुल ठाकुर होंगे जो इंपॉर्टेंट भी हो खेलेंगे भी, ब्रावो हैं जो खेलेंगे भी इंपॉर्टेंट भी हैं, MS धोनी, सुरेश रैना, अंबती रायडू, बस यही कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। ये 5 प्लेयर अगर आप टीम में लेते हैं तो आपके विनिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और कुछ अगर आप रिस्क ले सके डेविड विली, मार्क वुड और लुगी नगेड़ी की जगह, तो यहाँ पर आप ग्रैंड लीग विन करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर डेटा मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम पर मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर बात करें दिल्ली की टीम की लास्ट के 2 परफॉर्मेंस, पृथ्वी शॉ के अगर देखें तो 2262 के रन है, टोटल 84 है, एवरेज 42 का है, तो पृथ्वी शॉ एक बहुत अच्छे प्लेयर, आपको पता अंडर-19 के बहुत अच्छे प्लेयर है, तो 2 मैचेस से अच्छा भी परफॉर्म करें तो आप इनको अपनी टीम में ले भी सकते हैं। मुनरो की बात करें तो शुरुआती 2 मैचेस में फेल हो गए थे, उसके बाद अभी लास्ट मैच में 33 रन बनाए थे, तो ये भी एक अच्छे प्लेयर आपके लिए वॉच करने के लिए। श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस लगातार बढ़ रहा है, 52 रन पहले लास्ट मैच में थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट मैच में 93 रन थे, उसके पहले 57 थे, उसके पहले 52 थे, उसके पहले 427, तो आप देख रहे हैं लगातार 3 मैचेस से इंप्रूव कर रहे हैं खुद को, 52, 57 और यहाँ पर 93 रन, और अब 100 भी लग सकता है, बिकॉज श्रेयस अय्यर का फॉर्म बहुत ही अच्छा है। और दिल्ली की टीम की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर श्रेयस अय्यर होते हैं दिल्ली की टीम के लिए। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दूं, 17 रन पहले मैच में, सेकंड मैच में, थर्ड में 13, फिर 47, 4, 12, 27, बट पिछले कुछ मैचेस में विकेट्स भी इनको मिलने लगे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर मैक्सवेल भी होंगे। ऋषभ पंत का फॉर्म थोड़ा सा बिगड़ रहा है, आप देख सकते हैं लास्ट के 2 मैचेस में 4 रन और 0 रन बनाए हैं इन्होंने। वहीं बात करें विजय शंकर की, तो एक बैकअप की तरह इनको टीम खिलाती है, इनकी जगह कोई भी अगर चेंज होता है तो विजय शंकर की जगह होगा, बिकॉज ये ऐसे प्लेयर हैं इनकी जगह पे किसी और को लाया जा सकता है, बिकॉज इनका ज्यादा यूज टीम करती नहीं है। फिर राहुल तवतिया को पिछले मैच में कोई विकेट नहीं मिला, पिछले 3 मैच से विकेट इनको मिल नहीं रहे हैं। लियाम प्लंकेट को लास्ट के मैच में विकेट नहीं मिला, बट 3 विकेट मिले थे उसके पहले। अमित मिश्रा ने पिछले मैच में एक्सेप्शनली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अमित मिश्रा ने इकोनॉमी भी अच्छी थी, विकेट भी निकाले 2। फिर आवेश खान ने भी 2 मैचेस में 2-2 विकेट निकाले हैं, और ट्रेंट बोल्ट भी लगातार विकेट्स निकाल रहे अपनी टीम के, तो आप देख सकते हैं कि बॉलिंग कितनी अच्छी है, और ये बॉलर्स ये जिसका कारण दिल्ली की जीत बन सकती है, अगर दिल्ली जीतेगी तो इन बॉलर्स के कारण जीतेगी, और अगर चेन्नई हारेगी तो अपने बॉलर्स के कारण हारेगी। तो ये तो वही टीमों की बात, इसका स्क्रीनशॉट मैं इंस्टाग्राम पे दे दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पर ड्रीम इलेवन की टीम की, और टीम बिल्कुल कॉपी मत करिएगा, आप अपने हिसाब से टीम बना सकते हैं, यहाँ पर बस डेटा इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं क्या ड्रीम इलेवन की हम टीम बना सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 टीमें बनाई हुई है, एक टीम इनफॉर्म प्लेयर्स को देखते हुए बनाई है, दूसरी टीम यहाँ पर थोड़े से आप कह सकते हैं
नॉन रिलायबल प्लेयर अंबती रायडू तो चलो हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, कॉलिन मुंडो अभी अभी आए हैं तो इनका थोड़ा सा भरोसा नहीं कर सकते हम, हालांकि बहुत अच्छे टी ट्वेंटी के प्लेयर है और अगर चल जाते हैं आपको ग्रैंड लीग भी विन करवा सकते हैं। तो दो टीमें यहाँ पर मैंने कंसीडर करी हैं, पहली टीम की बात करते हैं, देखते क्या हम इंक्लूजन कर सकते हैं क्या आउटक्लूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो प्लेयर आपके लिए अवेलेबल है, ऋषभ पंत और एम एस धोनी, आप दोनों को ले सकते हैं, दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं। हालांकि ऋषभ पंत पिछले दो मैचेस से फेल कर रहे हैं, एम एस धोनी फेल ही नहीं कर रहे हैं, हर मैच में कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, 5 रन का मिनिमम है, 25 रन एवरेज है, और आपने जो एवरेज देखा था 34 के आसपास का निकला था, मिनिमम 5 रन इन्होंने बनाया अभी तक टीम के लिए 2 बार और मैक्सिमम 70 और 79 रन तक बनाए हैं टीम के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पर एम एस धोनी आपके लिए हो सकते हैं, आप ऋषभ पंत के साथ भी जा सकते हैं। बैटिंग में बात करें तो सुरेश रैना को ले रहा हूँ, श्रेयस अय्यर को ले रहा हूँ, अंबती रायडू को ले रहा हूँ, डुप्लेसी के भी चांसेस है बट आपको लास्ट तक शायद न्यूज़ मिल जाएगी इसकी, गंभीर की अभी तक कोई चांसेस दिख नहीं रहे। कॉलिन मुंडो को आप जरूर लीजिएगा, पृथ्वी शॉ को जरूर लीजिएगा ओपनिंग करते दिल्ली के लिए, और पिछले मैच में भी बहुत अच्छी ओपनिंग करी थी उन्होंने। सैम ब्रिक्स बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं कुछ मैचेस से, शुरुआती मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया था, 1 बार 54 रन के आसपास बनाए थे, उसके बाद कंटिन्यूसली इनका फॉर्म बिगड़ रहा है, तो इनकी जगह पे ही कोई चेंज होगा। फिर यहाँ पर और कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, विजय शंकर हमेशा बैकअप में रहते हैं दिल्ली के। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में तो यहाँ पर मैंने दो प्लेयर को लिया है, शेन वॉटसन को यहाँ पर मैंने नहीं लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं आपको भी नहीं लेना है, आपको इनको एक टीम में कैप्टन जरूर बनाना पड़ेगा बिकॉज रिस्की प्लेयर है, 100 भी मार चुके हैं आप जानते हैं, एक मैच में 100 लगाए थे इन्होंने, और अगर फिर से 100 लगा देते हैं और इसके बाद विकेट भी ले लेते हैं तो बहुत अच्छे प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए वॉच करने के होंगे। इनको बहुत कम लोगों ने लिया है आप देख सकते हैं, बिकॉज इनका परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, जो पहले इनको लोग लेते थे 90% लोग लेते थे आप देख सकते हैं, और फिलहाल जो लोग लिए हुए हैं आप देख सकते हैं 74% हो गया इनका, ठीक है, और फिर आगे और 49 हो गया है, तो 90 से गिर के सीधा 74 पहुंचे हैं। तो यहाँ पर कैप्टन को बहुत कम लोग बनाएंगे, आप अगर बनाते हैं और अगर चल जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। मैक्सवेल को ले रहा हूँ बिकॉज टॉप ऑर्डर बैटिंग करते हैं, कुछ विकेट्स भी निकालते हैं, ब्रावो की बात करें तो इनकी बैटिंग लगभग आ जाती है और इसके अलावा विकेट्स भी निकालते, 4 ओवर करा लेते हैं। रविंद्र जडेजा को ओवर मिलते नहीं कराने के लिए, 1-2 ओवर कराने को मिलता है, बैटिंग भी बहुत नीचे आती, तो ये आपके लिए अच्छे प्लेयर नहीं होंगे साबित। बात करें राहुल तेवतिया की, 3 मैच से विकेट नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप चाहे तो उनको ले सकते हैं, मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। बॉलिंग में बात करें तो बॉलिंग में यहाँ पर बेस्ट बॉलर में ट्रेंट बोल्ट है, हर मैच में 1-2 विकेट तो निकालते हैं मिनिमम इनका। शार्दुल ठाकुर का भी सेम टू सेम यही है, टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इमरान ताहिर की जगह पे आपको मैंने बता दिया कुछ, जो टीम चेंज कर सकती है तो इनकी जगह पे करेगी बिकॉज पिछले मैच में कुछ खास इनसे यूज भी नहीं लिया और कुछ खास ये परफॉर्म नहीं कर पाए। इसके बाद अमित मिश्रा ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था पिछले मैच में, तो इस मैच में आप चाहे तो उनको ले सकते हैं, मैं यहाँ पर प्लंकेट के साथ जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर और ऑप्शन में हरभजन सिंह है बट उतना अच्छा कोई परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। करण शर्मा आ सकते हैं दीपक चहर की जगह पे, करण शर्मा नहीं आएंगे तो के एम आसिफ आएंगे, तो आप ग्रैंड लीग में करण शर्मा या के एम आसिफ के साथ रिस्क ले सकते हैं। बाकी लोगी रगड़ी का मैंने आपको बताया दिया है, टीम के साथ जुड़ गए हैं, और इसके अलावा जूनियर डाला भी दिल्ली की टीम के साथ जुड़ गए हैं, तो क्रिस मॉरिस की जगह पे जो रिप्लेसमेंट हुए जूनियर डाला, तो ये भी आज का मैच खेल सकते हैं, टीम के साथ जुड़े हुए हैं और ग्रैंड लीग में आपके लिए बहुत अच्छे पिक बन सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर करते हैं टीम को सेव और देखते हैं आपके लिए बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन क्या हो सकते हैं। तो एक टीम में मैंने यहाँ पर श्रेयस अय्यर को कैप्टन वाइस कैप्टन, सुरेश रैना को बनाया है, वहीं बात करें दूसरी टीम की तो आपको पता ही अंबती रायडू कॉलिन मुंडो को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है। और ऑप्शन में आपके पास एम एस धोनी है, इसके अलावा आप बना सकते हैं ऋषभ पंत को बिकॉज ऋषभ पंत बहुत आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, और अगर ग्रैंड लीग आपको विन करनी है तो आपको किसी छोटे ऐसे प्लेयर पे जुआ खेलना होगा जो प्लेयर अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहा है और उसमें पोटेंशियल है परफॉर्म करने का। तो गाइस यहां पर कंप्लीट होती है ड्रीम इलेवन की टीम, अब हम बात करेंगे क्रिकेट प्लस प्लस की और देखेंगे वहां पर हम क्या टीम बना सकते हैं। तो इस बात करते हैं यहाँ पर क्रिकेट प्लस प्लस की, तो आपको बता दूँ ये साइड थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पर खेलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे कि आपको पता है और फैंटेसी साइड में आपको 11 प्लेयर लेने पड़ते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको जो बेस्ट 5 प्लेयर आपको लगते हैं, जो 22 प्लेयर में से जो भी मैक्सिमम जो आपको लगता है जो कंट्रीब्यूट टीम के लिए कर सकते हैं उनको आपको यहाँ पर लेना है। और बात करें जो आपको सबसे बेकार प्लेयर लगते हैं जो नेगेटिव में आपको पॉइंट दिलाएं या फिर पॉइंट ना दिलाएं उनको आपको यहाँ पर लेना है। तो आपको बेस्ट 5 चुनने हैं और बेकार 3 चुनने हैं, ठीक है। पिक हॉट में आपको ये चुनना है जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करके दिखाएं, और नॉट में आपको वो प्लेयर चुनने हैं जो सबसे बेकार परफॉर्म करके दिखाएं। अगर आपके ये प्रेडिक्शन सही हो जाते हैं तो आप यहाँ पर विन कर सकते हैं, और प्रेडिक्शन गलत होते हैं तो आप हारते भी हैं। तो यहाँ पर आपको वाइजली चूज करने अपने जो 5 प्लेयर आपको लगता है जो बेस्ट परफॉर्म करके दिखाएंगे आज के मैच में उनको आप ले लीजिए, प्लस यहाँ पर आपको जो लगता है सबसे बेकार परफॉर्म करके दिखाएंगे उनको आप ले लीजिए। और इसके अलावा अगर कोई प्लेयर मैच विनर होता है, जैसे कि मान लीजिए श्रेयस अय्यर पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले थे, तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पर मिलते हैं, तो इंपैक्ट फैक्टर होता है। और इसको आप हाउ टू प्ले में देख सकते हैं, यहां पर आप जब आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर एक मेनू खुल जाएगा,
तो गाइस यहाँ पर आपको गेम रूल बता देता हूँ हाउ टू प्ले में। आपको जाना है वहाँ, आपको ये गेम रूल्स मिल जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, पांच अच्छे प्लेयर पिक करने हैं, पांच तीन बेकार प्लेयर पिक करने हैं। यहाँ पर कोई सैलरी कैप नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है कि आपको कोई प्लेयर लेने में दिक्कत हो। आपको जो मन करे आप ले सकते हैं, कोई सैलरी क्रेडिट यहाँ पर नहीं होता है। आप डायरेक्टली किसी को भी ले सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन आपको नहीं बनाना है। सिर्फ आपको पांच बेस्ट और तीन बेकार चुनना है, बस इतना सा आपको काम करना है। अगर आप इतना कर लेते तो आप यहाँ पर बहुत कुछ विन कर सकते हैं, अगर आपके प्रेडिक्शन अच्छे होते। तो आपको यहाँ पर सारी जो स्कोर कार्ड वगैरह है, जैसे यहाँ पर टाई वगैरह होता है तो इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट होता है, तो वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिएगा और आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। तो न्यू साइट है, थोड़ा सा न्यू एक्सपीरियंस आपका होगा, एक दो मैचेस खेलेंगे उसके बाद आपको सब समझ में आने लगेगा। तो गाइज यहाँ पर तो बात हुई क्रिकेट प्लस प्लस की, इसके अलावा आपको बता दूं अगर आपने क्रिकेट प्लस प्लस पर अभी ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ 25 रुपये के आसपास मिल जाएंगे। इसके अलावा जब आप 100 रुपये डिपॉजिट करेंगे, अपना पहला डिपॉजिट करेंगे, तो आपको 50 रुपये बोनस भी मिलेगा। और आपको बता दूं इसके अलावा यहाँ पर जो वॉलेट सिस्टम है, आप यहाँ पर कैसे भी पैसे ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर मेथड्स हैं, तो उसकी आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और टीम की बात करें तो टीम मैंने आपके लिए बेस्ट बनाई है, आप एक बार उसका प्रीव्यू देख ले और कोशिश करिएगा उसमें एक आध चीज़ अगर आप अपनी तरफ से करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से तो टीम ठीक है। आपको एक बार और मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ टीम का, ताकि आप यहाँ पर प्रीव्यू ले स्क्रीनशॉट ले सकें, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे लगता है ये टीम आज विन करेगी। आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं टीम में। यहाँ पर मेरी टीम है, आप देख सकते हैं, जो मैंने पाँच बेस्ट प्लेयर लिए हैं और तीन बेकार प्लेयर लिए हैं। तो भाई जब खत्म करते हैं यहाँ पर क्रिकेट प्लस प्लस का वीडियो और बात करेंगे यहाँ पर हम फैन फाइट की। तो बात करते हैं यहाँ पर फैन फाइट की, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग सिस्टम है टीम बनाने का। आपको बता दूँ यहाँ पर आपको 6 प्लेयर लेने होते हैं, अदर फैंटेसी साइड में आपको 11 प्लेयर लेने होते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको 6 प्लेयर लेने होते हैं। और आपको दिखा देता हूँ कैसे आप यहाँ पर टीम बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एडिट टीम में गया हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप मैक्सिमम 2 बैट्समैन ले सकते हैं, 2 बॉलर ले सकते हैं मैक्सिमम, 1 विकेटकीपर और 1 ऑलराउंडर ले सकते हैं, यानी कि टोटल 6 प्लेयर आप ले सकते हैं। और बेस्ट अगर आप 6 प्लेयर लेते हैं और कैप्टन वाइज कैप्टन ठीक बनाते हैं तो आप यहाँ पर विन कर जाएंगे। तो आपको बहुत वाइजली यहाँ पर चूज करने पड़ेंगे बैट्समैन, बिकॉज सिर्फ 2 बैट्समैन लेना बहुत दिक्कत वाला काम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने श्रेयस अय्यर और अंबति रायडू को बैटिंग में लिया है। आपके पास और ऑप्शन में सुरेश रायना है, कॉलिन मुनरो है, इसके अलावा पृथ्वी शॉ है, और यहाँ पर फिर और कोई अच्छे ऑप्शन है नहीं। तो ये कुछ 5 ऑप्शन है जिसमें से आपको 2 चूज़ करने में बहुत दिक्कत आएगी। मैंने यहाँ पर परफॉर्मेंस बेसिस पे 2 प्लेयरों को चूज़ किया है, श्रेयस अय्यर, अंबति रायडू। आप चाहें तो यहाँ से पृथ्वी शॉ, सुरेश रायना और कॉलिन मुनरो को चूज़ कर सकते हैं। बॉलिंग में मैंने लियाम प्लंकेट और शार्दुल ठाकुर को लिया है। आपके पास ऑप्शन में अमित मिश्रा, ट्रेंट बोल्ट है, इसके अलावा आप चाहें तो करण शर्मा को भी ट्राई कर सकते हैं, और दीपक चहर तो खेलेंगे नहीं तो इनको मत लीजिएगा। बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो यहाँ पर एम एस धोनी को लिया, आप ऋषभ पंत को ले सकते हैं। और बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में तो ग्लेन मैक्सवेल को लिया है, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों ही अच्छी कर रहे हैं। आपके पास और ऑप्शन में यहाँ पर रविंद्र जडेजा को मत लीजिएगा, आपको पहले ही बता रहा हूँ बहुत बेकार परफॉर्म कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बेस्ट प्लेयर लेने होते हैं, ब्रावो को आप ले सकते हैं, इसके अलावा वॉटसन के साथ आप रिस्क ले सकते हैं। वॉटसन थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, इसलिए मैंने मैक्सवेल को लिया है, और ब्रावो थोड़े नीचे बैटिंग करने आते हैं तो मैक्सवेल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। तो प्रोसीड करते हैं, देखते हैं आपके लिए बेस्ट कैप्टन वाइस क्या हो सकते हैं। कैप्टन में रख रहा हूँ अंबति रायडू, जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है। वाइस कैप्टन ग्लेन मैक्सवेल को रख रहा हूँ, बिकॉज बैटिंग बॉलिंग दोनों की आ जाती है, तो थोड़ा सा हम सेफ खेल सकते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर टीम कंप्लीट हो गई है, और आप भी यहाँ पर ऐसी टीम बना सकते हैं। इसके अलावा थोड़े से चेंजेस अपनी टीम में कर लें और जो आपको लगता हो। और यहाँ पर आप खत्म करते हैं हमारे वीडियो, यहाँ पर दोनों ही वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। क्रिकेट प्लस प्लस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, फैन फाइट की लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दी है। दोनों ही साइट्स अच्छी हैं, अगर आप ड्रीम इलेवन पर खेलेंगे वहाँ पर कॉम्पिटिशन ज्यादा है, अगर यहाँ पर खेलेंगे तो ज्यादा आपको फायदा रहेगा। थोड़ी सी स्ट्रेटजी आपको समझनी है, पॉइंट सिस्टम दोनों ही साइटों का समझना है, और आप यहाँ पर अच्छा खासा विन कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में। अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ सबसे पहले तो, बिकॉज बहुत से लोग लास्ट तक नहीं देखते। अगर आप देख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और अगर आप अपना कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट आप कर सके मेरे लिए तो अच्छी बात होगी। और इसके अलावा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी मैच से रिलेटेड, और सारी अपडेट्स आपको दे देता हूँ इंस्टाग्राम पे भी। ओके गाइस, बाय।